हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। सर्दी बहुत है और सर्दी के अंदर पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो आज पुलाव बनाने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपने ये पुलाव पहले कभी नहीं खाया होगा। एक बार आप इसे खाएंगे तो सारे पुलाव भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रीन पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक ग्राइंडर जार के अंदर हरा धनिया। ये मैंने अच्छे से धो के रखा है, कोई क्वांटिटी नहीं है, अंदाजे से ही ले लिया है हरा धनिया। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। पुदीना अगर आपके पास नहीं है स्किप कर सकते हैं, बट पुदीना हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 10 से 12 लहसुन की कलियां, एक है ये हरी मिर्च, इसे तोड़ के ऐसे ही डाल देती हूँ मैं। और ये लिया है थोड़ा सा अदरक, और करीब 2 चम्मच लिए हैं पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स हैं। और इसे मैं कर लेती हूँ ग्राइंड। आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी डाल लेते हैं। ग्राइंड तो ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा ग्राइंड करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के करीब 1-2 चम्मच पानी डाला है, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसे एक साइड पर रख देते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर करीब 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर डाल देंगे पिंच हींग। कोई ज़्यादा खड़े मसाले मैं यूज़ नहीं कर रही, 2 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, और ये जा रहा है गरम मसाला, मैंने साथ ही डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने ग्राइंड करके धनिया पुदीना रखा था, फ्लेम कर देंगे लो। इसी जार में पानी डाल के हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे भून लें, ज़्यादा देर भूनने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट हो गया है, इसके अंदर मैं डाल दी 2 गिलास पानी, क्योंकि मैंने चावल जो लिए हैं वो 1 गिलास लिया है। पानी को अच्छे से बॉयल होने दें। पानी हमारा जो है गर्म होना शुरू हो गया, यानी बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास चावल। ये चावल हैं जिसे 2 से 3 बार मैंने धो लिया था, और 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके रखा है। तो ये पानी हम निकाल देंगे बाहर, और चावल डालेंगे इसके अंदर। पानी इसका ड्रेन कर दिया है, और चावल कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। इसको हल्के हाथों से इस तरह से हम हल्का सा हिला लेंगे, और धीमी आंच पे, यानी लो फ्लेम पे इसे हम रख देते हैं ढक। जब तक ये चावल पकते हैं, तब तक हम इसका एक तड़का तैयार करते हैं स्पेशल। तड़का तैयार करने के लिए हमने एक पैन को गैस पे रखा है, और ये 1 चम्मच हम घी ले लेते हैं। ये प्योर घी है जिसके अंदर हम तड़का तैयार करेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने दें। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। 1 प्याज लिया है हमने, इसे हमने लंबा लंबा काट लिया है बारीक बारीक। इसे हमने पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है। तो करीब 1/2 मिनट हमने इसे फ्राई किया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे गाजर। ये मैंने 2 गाजर ली थी जो मैंने लंबे टुकड़ों में काटी है। और साथ में अब डाल देंगे शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च ली है, इसे भी लंबे टुकड़ों में काटा है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं। फ्लेम हाई रखी हुई है, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। 1-1.5 मिनट के लिए हमने इसे कुक किया है। ये सॉफ्ट नहीं हुई, अभी क्रंची है। तो चावलों को हमने 90% तक कुक कर लेना है, उसके बाद हम ये तड़का उसके अंदर डालेंगे। चेक कर लेते हैं, ये राइस हमारे 90% कुक हो चुके हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे ये तड़का जो हमने बनाया है, और हल्के हाथों से इसे हमने चलाते हुए मिक्स कर देना है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ये भाप के अंदर ही चावल जो रह गए हैं थोड़े से भाप के अंदर ही पक जाएंगे। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है हल्के हल्के, जिससे चावल टूटे नहीं। और ये हमारा हरा पुलाव बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा काजू डालते हुए हम इसे गार्निश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा पुलाव पहले कभी नहीं खाया होगा। कड़कती ठंड में बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये पुलाव है। आप बनाएं, इसे बनाना इजी है, बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बना है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।